स्क्रिप्ट में क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस किया, क्या चीजें खास लगी? एक्चुअली मेरा शुरू से ही फिल्म में कुछ डिफरेंट करने जैसी शौक रही, तो ये स्क्रिप्ट आई और इस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो इस देश की आबादी के रूरल एरिया से लगा के टॉप क्लास तक के लोगों को हर तरह का एंटरटेनमेंट इस स्क्रिप्ट में है। अभी जनरली ऐसी मूवी बनती है जिसमें वर्ग विशेष का ध्यान रखा जाता है, पर इसमें कंप्लीट ऑडियंस का ध्यान रखा गया है। ऐसी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट है, मजा आएगा। देवेंदु, मेरा सवाल आप, और कितना इंटेंस आप ईशा जी के साथ हैं इस फिल्म में? बहुत इंटेंस हूँ, बट जैसा कि पोस्टर देख के और स्टैंडीज देख के आप लोगों को लगा, और पहले भी जो बात हुई, मेरा और ईशा का जो कैरेक्टर है वो दो एंटिटीज हैं जो कि अगेंस्ट ईच अदर हैं, ऑपोजिट ईच अदर हैं। जो रिवेंज की पूरी बात आती है वो इन्हीं दो कैरेक्टर्स से बाहर आती है, तो ऑब्वियसली काफ़ी एक इंटेंस जर्नी होने वाली है, काफ़ी ड्रामा होने वाला है। बट सी, कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती जिसमें ड्रामा ना हो या इंटेंसिटी ना हो। एट द एंड ऑफ द डे बहुत पर्सनल सी स्टोरी है। हम इस फिल्म से कुछ ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दुनिया को बदल देंगे, या हम कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर्स प्ले नहीं कर रहे हैं। ये दो आम लोग हैं, दो आम लोग जब जब हम अपनी दुनिया में ही, अपने एक आम जो लोग हैं हम, अपनी दुनिया में ही जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस लाता है तो हम कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ करते हैं। तो आई थिंक फिल्म में जो आपको दिखेगा दोनों के कैरेक्टर्स में वही दिखेगा, जब सामने आमने सामने दो लोग आते हैं और उनकी रिवेंज की बात होती है या तकरार की बात होती है, तो कैसे दो पर्सनैलिटीज जो हैं वो एक आम लोगों से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटीज बनती हैं। तो अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप प्लीज़ वेट करिए प्रोमो ट्रेलर एंड फिल्म का। ईशा, जैसे कि बॉलीवुड में सभी जो एक्ट्रेस है अभी फुल फ्लेज रोल करने में बिलीव करती है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आप भी किसी आपको किसी हीरो की जरूरत नहीं है फिल्म के लिए, तो आगे जो हम आपका किरदार देखेंगे सारे किरदार फुल फ्लेज में ही होंगे, और इस फिल्म में भी क्या ऐसा ही किरदार है आपका फुल आपके ऊपर ही बेस्ड होगा, या फिर देवेंद्र और आपका रोल साथ में होगा? देखिए, ये फिल्म मैं अपने घर की होम वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ, है ना, मुझे अकेले नहीं देखनी है। मैं चाहती हूँ पूरी भारत देखे, एंजॉय करे, और हमारे प्रोड्यूसर जी खूब पैसे कमाएं। ये अकेले मैं कैसे कर सकती हूँ जी, ये इट्स ऑलवेज टीम वर्क। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कोई रोल्स ऐसे हो जो सब्सटैंशियल हो, जिसमें मुझे करने में मजा आए। बस हीरो फिल्म में हीरो भी होगा, विलन भी होंगे, सब लोग होंगे, मैं अकेली तो नहीं होंगी फिल्म में, बट हाँ ऐसे एक फिल्म में मेरी कोशिश यही होगी कि हर एक फिल्म मेरी जो मैंने इससे पहले फिल्म्स की है उससे अलग हो, वो किरदार मज़ेदार हो, आपको भी मजा आए और मुझे भी करने के लिए मजा आए, सेम नहीं हो। ईशा जी, ये जो डायलॉग है, तेरी नीलामी पर पहली बोली मेरी होगी, हम चाहेंगे कि बार आप बोल के हमें सुना दें। अभी तक फिल्म की शूटिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है तो मैंने अभी तक बोला ही नहीं। तो एक मूड में आने के लिए एक बार बोल दें। मुझे मूड में नवंबर में एक बार बोल के तो दिखा दीजिए ईशा जी। सर लग रहा है मूड में तो आप आए हैं, आपको मूड में लाने की जरूरत नहीं है, हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर। मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को। मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे, मैं कहीं और ले गया, मैं यही बैठा हूँ, बात भी यही है। ईशा जी प्लीज, मैं चाहूंगा तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी होगी। ये इन्हीं के लिए था ना, और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका दे हिसाब बराबर। थैंक यू, सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू द ऑल प्रेस मीडिया पीपल फॉर द फोटो। अ हंबल रिक्वेस्ट टू मेंबर्स ऑफ मीडिया टू प्लीज हैव स्नैक्स एंड देन गो, देयर इज अ अरेंजमेंट ऑफ स्नैक्स फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज डू हैव स्नैक्स एंड देन लीव, थैंक यू। Thank you.
निकल गया निकल गया आप आए हैं आज मैं पूरे आपको मूड में लाने की जरूरत नहीं, नहीं हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर में। मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को। मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे, मैं कहीं और ले गया, मैं यहीं बैठा हूँ, बात भी यही है। ईशा जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोले। तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी होगी। ये इन्हीं के लिए था ना पर्टी। और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका था हिसाब बराबर। थैंक यू सो मच टू द ऑल प्रेस मीडिया पीपल फॉर द फोटोज। A humble request to members of media to please have snacks and then go. There's an arrangement of snacks for all of you. Please do have snacks and then leave. Thank you. ट्रैवलिंग टू 2012 से मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, एक मराठी फिल्म की एंड दैट्स इट, जो 2013 में रिलीज़ हुई। फिर माय फर्स्ट प्रोडक्शन माय लिटिल बेबी रियाना, तो अब उसके बाद लौटी हूँ। तो आई लव मूवीज, आई लव एक्टिंग, लेकिन उसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया एंड आई एम बैक।
सब देखती हूँ, कहानी देखती हूँ, कैरेक्टर देखती हूँ. देखिए फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है. ऑडियंस